Hello, students. Today we are going to start our new topic of the same chapter of class 3rd. Our chapter name is Long and Short, chapter 4, and the new topic is from page number 56. Let's start centimeters or meters. C E N टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स ओ आर आर या एम ई टी आर ई एस मीटर्स सेंटीमीटर्स या मीटर्स क्वेश्चन मार्क नीचे कुछ क्वेश्चन हैं आपको बताने हैं कि वो सेंटीमीटर्स में है या फिर मीटर्स में है उनको कैसे मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स आर यूनिट ऑफ लेंथ ओके किसी की लेंथ को कोई कितना लंबा है उसको फाइंड करने के लिए इन यूनिट्स का यूज करते हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इन वन मीटर देयर आर हंड्रेड सेंटीमीटर्स इन वन मीटर एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं डेट मीन सेंटीमीटर फॉर शॉर्ट लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस एंड मीटर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ओके डब्ल्यू एच आई सी एच विच कौन सा ओ एफ ऑफ का टी एच ई एस सी डीज यह या इनमें से डब्ल्यू आई एल एल विल बी ई बी विल बी होगा आई एन इन में सी दी ई एन टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स ए एन डी एंड और डब्ल्यू एच आई सी एच विच सा डब्ल्यू आई एल एल विल बी ई बी विल बी होगा आई एन इन में एम ई टी आर ई एस मीटर्स विच ऑफ़ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स इनमें से कौन सेंटीमीटर में है कौन सेंटीमीटर में होगा और कौन मीटर में होगा द फर्स्ट वन इज डब्ल्यू आई डी टी एच विथ चौड़ाई ओ एफ ऑफ की ए एक सी ओ एम पी यू टी आर कंप्यूटर एस सी आर ई ई एन कंप्यूटर स्क्रीन विथ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन सी दिस इज अ कंप्यूटर एन ए कंप्यूटर ये मॉनिटर है सो so एक कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन की क्या पता नहीं आपको विथ विथ होती है चौड़ाई कि ये कितना चौड़ा है ये इसकी लेंथ हो गई कितना लंबा है और ये इसकी चौड़ाई सो so, इससे पहले प्रीवियस जब हमने पढ़े थे तो हमने मीटर रो बनाई थी तो आपको आइडिया आ गया था अबाउट वन मीटर कि वन मीटर कितना लॉन्ग होता है सो दिस इज ये ज्यादा चौड़ा नहीं है दैट मीन्स ये होगा इन सेंटीमीटर्स ओके सो राइट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन इज इन सेंटीमीटर्स नेक्स्ट एल ई एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ की एक पी ए जी डी आई पगड़ी डब्ल्यू ओ आर एन वॉन पहनो बाई बी वाई बाय द्वारा एस आई के एच एस सिक्स सिखों के द्वारा पहनी हुई जो पगड़ी होती है उसकी लेंथ कितनी होगी आपने पिक्चर्स में या कहीं देखे होंगे फोटोज में सिख पगड़ी पहनते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी पगड़ी बहुत लंबी होती है डैट मीन्स इन मीटर जैसे आप कोई क्लोथ खरीदते हैं क्लोथ के लिए क्लोथ पीस कपड़े का पीस वो भी क्या होता है मीटर में और पगड़ी भी लंबी है तो वो भी मीटर में होती है सो राइट हियर मीटर एम ई टी आर ई और यू कैन राइट इन सेंटीमीटर इन मीटर्स नेक्स्ट एच ई आई जी एच टी हाइट ऊंचाई ओ एफ ऑफ की ए एक वन वाई ए आर ईयर एक साल ओ एल डी ओल्ड सी एच आई एल डी चाइल्ड ओल्ड चाइल्ड हाइट ऑफ अ वन ईयर ओल्ड चाइल्ड एक एक साल के बच्चे की हाइट कितनी होगी छोटा बच्चा वन ईयर का आप आपकी हाइट भी इन सेंटीमीटर्स में होती है और मे भी मीटर में भी हो सकती है सी जैसा हमने यहाँ किया था ओम इज शॉर्टर देन वन मीटर डेट मीन्स ई सेंटीमीटर में इसकी हाइट सो वन ईयर का चाइल्ड उसकी हाइट होगी इन सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर्स नेक्स्ट एल एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ की ए एक बी ए एन ए एन ए बनाना केला लेंथ ऑफ ए बनाना केले की की लंबाई या केले का लंबाई सो केला बहुत छोटा है डेट मीन्स इन सेंटीमीटर्स डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट ओ एफ ऑफ का ए एन एन एक E L E P H A -E N T elephant हाथी waist कमर waist of an elephant elephant की in this picture elephant की waist ये measure कर रहा है so, elephant की मेज waist बतानी है कमर in meter in meter सी meter रूप से measure कर रहा है elephant बहुत बड़ा होता है big सो so, इसका वेस्ट भी बड़ा होगा इन मीटर्स एच ई आई जी एस टी हाइट ऊंचाई ओ एफ ऑफ की ए एक एस यू जी ए आर सी एन ई सुगर किन गन्ना हाइट ऑफ अ अगर केन सुगर केन की हाइट बतानी है आपको गन्ने की हाइट गन्ना खाया होगा आप लोगों ने गन्ना भी देखा होगा लंबे होते हैं सो इन मीटर्स हाइट ऑफ अ सुगर केन इन मीटर्स डी ई पी टी एच डेप्थ गहराई ओ एफ ऑफ की ए एक डब्ल्यू एल एल वेल कुआं डेप्थ ऑफ ए वेल कु की गहराई वो भी बहुत लॉन्ग होती है सो विल बी इन मीटर नेक्स्ट एच ई आई जी एस टी हाइट ऊँचाई ओ ओ एफ ऑफ का वाई ओ यू आई योर आपकी एम ओ टी एच ई आर मदर मम्मी हाइट ऑफ योर मदर आपकी मदर माता जी आपकी मदर की हाइट कितनी होगी बड़ी हैं तो उनकी हाइट इन मीटर्स में बट हम हाइट को कैसे लेते हैं इन सेंटीमीटर में जैसे सपोज किसी की हाइट वन मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो हम बोलते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर मीटर राइट सो यू विल राइट हाइट ऑफ योर मदर विल बी इन मीटर इन मीटर्स और इन सेंटीमीटर्स ओके होती तो मीटर्स में है हम हाइट को सेंटीमीटर्स में बताते हैं 120 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर सो दैट्स वाई डी आई एस टी एन सी डिस्टेंस दूरी एफ आर ओ एम फ्राम से सी एल ए एस एस आर ओ एम क्लास रूम कक्षा टी ओ टू को एस सी एच ओ एल स्कूल जी टी गेट डिस्टेंस फ्रॉम क्लास रूम टू स्कूल गेट क्लास रूम से आपके क्लास रूम से आपके स्कूल के गेट तक डिस्टेंस कितनी होगी इन मीटर्स विल बी इन मीटर्स और डिस्टेंस भी ज़्यादा होती है सो इन मीटर्स हंड्रेड सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस एंड हंड्रेड सेंटीमीटर होता है वन मीटर सो जो भी हंड्रेड सेंटीमीटर से जो भी डिस्टेंसेस या लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे तो वो मीटर्स में हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट एल एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ की वाई ओ यू आर आपके एफ ए टी एच ई आर एपिस्टोफियस फादर्स पिताजी के ए आर एम हा आम हथेली लेंथ ऑफ योर फादर्स आम आपके फादर के आम की लेंथ कितनी होगी जैसे मदर का आम है हाथ वैसे ही फादर का हाथ सो इन सेंटीमीटर नेक्स्ट टी आर आई पी ट्रिप यात्रा टीओ टू को ए जी आर ए आगरा ट्रिप टू आगरा आगरा को आगरा के लिए यात्रा एम ए आर आई ई -E, मैरी अनेम ए एंड एंड और बी ए आई सी एच यू एन जी बायचुग ए आर ई आर हैं जी ओ आई एन जी गोइंग जा रहे डब्ल्यू आई टी एच विद के साथ टी एच ई आई आर देयर उनकी एफ एम आई एल वाई फैमिली परिवार टीओ टू को ए जी आर ए आगरा मेरी एंड बाइचुंग आर गोइंग विद देअर फैमिली टू आगरा मैरी एंड बाईचुंग अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहे हैं टी एच ई वाई दे वे जी ई टी गेट डी ओ डब्ल्यू एन गेट डाउन नीचे उतरना ए टी एट -E पर ए जी आर ए आगरा सी एन टी टी कैंट कैंटोनमेंट होता है सो ए आगरा कैंट दे गेट डाउन एट आगरा कैंट आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन ए एन डी एंड और टी ए के टेक लेना ए एक आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू रिक्शा टी ओ टू को टी ए जी टी ए जे ताज एम एच एल महल दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल वे आगरा कैंट पर नीचे उतरे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरे एंड उन्होंने एक रिक्शा लिया ताजमहल जाने को ए एफ टी ए आर आफ्टर बाद में थ्री एच ओ यू आर एस थ्री आर्स तीन घंटे बाद टी एच ई वाई दे वे एस टी ए आर टी स्टार्ट शुरू एफ ओ आर फोर के लिए ए जी आर ए आगरा एफ ओ आर टी फोर्ट किला एजी ए आई एन अगेन दोबारा आई एन इन में ए एक आर आई सी के एस एच ई डब्ल्यू रिक्शा आफ्टर थ्री आर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फॉर्ट अगेन इन रिक्शा तीन घंटे बाद उन्होंने वे अगेन रिक्शा से आगरा के लिए गए उन्होंने आगरा जाना शुरू किया आई एन इन मै टी एच ई द ए एफ टी आर एन ओ ओ एन आफ्टरनून इन द आफ्टरनून दोपहर में टी एच ई वाई दे वे टी ए के ई टेक लेना ए एक बी यू एस बस टी टू को जी ओ, गो जाने टी टू को एफ ए टी ई एच पी यू आर फतेहपुर एस आई के आर आई सिकरी एक प्लेस नईम है फतेहपुर सिकरी तो उन्होंने आफ्टरनून में बस लिया फ़तेहपुर सिकरी जाने के लिए सी दिस मैप एम ए पी मैप ओ एफ ऑफ का ए जी आर ए आगरा मैप नक्शा मैप ऑफ आगरा आगरा का नक्शा है ये यहाँ पे वो कहाँ कहाँ गए सब जगह है ताजमहल फतेहपुर सिकरी आगरा फोर्ट ओके दिस इज ट्रेन एन ओ डब्ल्यू नाव अब एल ओ के लुक देखो ए टी पर टी एच ई द डी आई एस टी एन सी एस डिस्टेंसेस दूरी बी ई E N between के बीच टी एच ई एस E these यह पी एल ए सी एस प्लेसेस जगह एफ आर फोर के लिए के आई एल ओ एम ई टी आर ई एस किलोमीटर्स डब्ल्यू ई वी हम डब्ल्यू आर आई टी राइट लिखते के एम किलोमीटर्स को हम के एम लिखते हैं नाउ लुक एट द डिस्टेंसेज बिटवीन दीज प्लेसेस आप जो प्लेसेज यहाँ पर बोले गए थे ताजमहल आगरा फोर्ट फ़तेहपुर सिकरी तो इनके डिस्टेंसेस आपको इनके बीच के डिस्टेंसेस देखने हैं कि देखो कितने दूरी पर है एक दूसरे से एंड फॉर किलोमीटर्स वी राइट के एम किलोमीटर्स के लिए हम के एम लिखते हैं किलोमीटर इज ऑल्सो यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड लॉन्गर लेंथ जब बहुत लंबी डिस्टेंस होती है लॉन्ग लेंथ होते हैं तो उनको हम किलोमीटर में फाइन करते हैं जैसे डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल उसको भी हम इन किलोमीटर में बोलेंगे ओके सो द फर्स्ट ए जी आर ए आगरा सी एन टी टी कैंट आगरा कैंट आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन टी ओ टू को टी ए जे ताज एम एच एल महल डैस फाइव किलोमीटर के एम इस किलोमीटर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल आगरा कैंट से सीधिस आगरा कैंट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर टू ताजमहल आगरा कैंट से ताजमहल जो डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस वो है फाइव किलोमीटर नेक्स्ट टी ए जे ताज एम एच एल महल टी ओ टू को ए जी आर ए आगरा एफ ओ आर टी फोर्ट ताजमहल टू आगरा फोर्ट ताजमहल से आगरा फोर्ट के लिए डिस्टेंस है टू किलोमीटर हियर इज ताजमहल एंड आगरा फोर्ट तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टू किलोमीटर है यानी कि टू किलोमीटर इज लेस देन फाइव किलोमीटर डेट मीन्स आगरा कैंट से ताजमहल की डिस्टेंस जो है उससे कम है ताजमहल से आगरा फोर्ट जाने की डिस्टेंस ओके नेक्स्ट ए जी आर ए आगरा एफ ओ आर टी फोर्ट किला टीओ टू को एफ ए टी ई एच पी यू आर फतेहपुर एस आई के आर आई सिकरी आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी डिस्टेंस है फोर्टी किलोमीटर सी ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है फोर्टी किलोमीटर एन ओ डब्ल्यू नाउ अप फाइंड फाइंड ढूंढना एफ आर ओ एम फ्रॉम से द एम ए पी मैप नक्शा नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप अब आपको नक्शे से फाइंड करना है ढूंढना है क्या दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल यू फाइंड फर्स्ट डब्ल्यू एच आई सी एच विच कौन सा आई एस इज़ है एफ ए आर टी एच ई आर फादर दूर सबसे दूर एफ आर ओ एम फ्रॉम से ए जी आर ए आगरा सी एन टी टी कैंट आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन टी ए जी ताज एम एच एल महल ओ आर और एफ ए टी एच पी आर फतेहपुर एस आई के आर आई सिकरी विच इज़ फादर फ्राम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल और फतेहपुर सिकरी ओके okay. सो so, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन ज़्यादा दूर है ताजमहल और फतेहपुर सिकरी सो हेयर डिस्टेंसेस दे की थी आगरा कैंट से ताजमहल है फाइव किलोमीटर एंड आगरा कैंट से फ़तेहपुर सिकरी so, ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है सो डैट मीन्स फ़तेहपुर सिकरी ओके okay? एंड सो so वी विल राइट हियर फतेहपुर सिकरी यह हमें मैप देख के बताना है अकॉर्डिंग टू मैप डिस्टेंस जैसे आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन फोर्टी किलोमीटर था आगरा फोर्ट से इस आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी फोर्टी किलोमीटर इतना दूर है सेम आगरा कैंट से फतेहपुर सिकरी भी दूर होगा सो डैट मीन्स राइट हेयर फतेहपुर सिकरी एफ ए टी ई एच पी यू आर फतेहपुर सिकरी सी दिस सिंबल लाइन है उस पर से ऊपर से भी लाइन कर रखी है सोज एस एच ओ डब्ल्यू एसओ दिखाता टी एच ई ट आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एल आई एन ई लाइन ये सिंबल सोस करता है रेलवे लाइन इन दिस मैप दिस सिम्बल ये सिम्बल रेलवे लाइन को रिप्रजेंट कर रहा है यहां से रेल ट्रेन जा रही है एंड दिस इज फॉर रोड एंड दिस सिंबल इज फॉर रिवर रिवर यमुना ओके डब्ल्यू एच आई सी एच विच कौन सा ओ एफ ऑफ का टी एच ई एस सी डीज यह आई एस एस है एन ई ए आर ई आर नियर नज़दीक सबसे नज़दीक टी ओ टू को टी एच ई द आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एल आई एन ई लाइन विच ऑफ दीज इज नियर टू द रेलवे लाइन इनमें से कौन नीचे क्वेश्चन है इनमें से कौन रेलवे लाइन से सबसे ज्यादा नज़दीक है फर्स्ट बी ए बी ए आर पी यू आर बाबरपुर F -O -R -E -S -T, forest, और रेलवे लाइन से सबसे ज्यादा नजदीक कौन है बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट बाबरपुर फॉरेस्ट ओके इट इज क्लियरली सीन बाबरपुर फॉरेस्ट एकदम nearer है रेलवे लाइन के रेलवे लाइन से दूर है ताज फॉरेस्ट वी विल राइट हियर पावरपुर फॉरेस्ट नेक्स्ट एजीआरए आगरा एफ ओ आर टी फोर्ट ओ आर और या टी एजे ताज एम एच एल महल आगरा फोर्ट या ताजमहल दिस मैप आगरा फोर्ट एंड ताजमहल ताजमहल आगरा फोर्ट से डिस्टेंस पे है। ताजमहल दूर होगा एंड आगरा फोर्ट नियरर। सो राइट हियर आगरा फोर्ट। आगरा F O T फोर्ट। W H I C H विच कौन सा I S S है? S C L O S E R क्लोजर नजदीक। T O T O कोड T H E R I V A रिवर नदी Y A M U N यमुना। विच इज़ क्लोज़र टू द रिवर यमुना यमुना रिवर एंड रिवर यमुना से क्लोज़र नज़दीक कौन है टी एजे ताज एम एच ए एल महल ओ आर और या टी एच द आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे एस टी ए टी आई ओ एंड स्टेशन ताज महल या द रेलवे स्टेशन ताजमहल यहाँ है और रेलवे स्टेशन इतने दूर है तो so, ये भी क्लियरली सी और दिख रहा है रिवर यमुना से ताजमहल नजदीक है ओके एंड रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन इससे दूर है सो राइट हियर ताजमहल जे एम ए एच एल ताजमहल एंड आप इसमें टिक भी कर देंगे ताजमहल ताजमहल बाबरपुर फॉरेस्ट आगरा फोर्ट ठीक नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फिफ्टी एट एम ई टी सी एच मैच मिलाना टी एच ई दी ओ आर आर ई सी टी करेक्ट सही एलियन जी टी एच लेंथ लंबाई मैच द करेक्ट लेंथ नीचे कुछ क्वेश्चन हैं आपने इन्हें क्या करने है? हैं थिंग्स हैं चीज़ें हैं जिनको आपने करेक्ट लेंथ से उसकी करेक्ट लंबाई से किसकी लंबाई कितनी हो सकती है उससे क्या करना है मैच करना है डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ बनाना या खींचना सॉरी ड्रॉ खींचना आई एल आई एन ई -E एस लाइन्स रेखाएँ टी ओ टू को एम ए टी सी एच मैच मिलाने को ई ए सी एच ईच प्रत्येक पी आई सी टी यू पिक्चर तस्वीर With with saath, H w आई टी एच विथ के साथ एच ओ W हाउ कितना लंबा यह कैन सकता बी हो ड्रॉ लाइन्स टू मैच each पिक्चर्स विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी लाइन ड्रॉ करनी है टू मैच करने के लिए each पिक्चर को कि यह कितना लंबा हो सकता है विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी द फर्स्ट E एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ का ए एन एन एक ए आर टी एच डब्ल्यू ओ आर एम अर्थवी सो लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म वॉम की लेंथ लंबाई कितनी हो सकती है आपने सॉइल में मिट्टी में देखा होगा जब बारिश आती है तो एक वॉम आते हैं इसकी लेंथ किलोमीटर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस और लॉन्ग लंबे चीजों के लिए हो गया फाइव मीटर नो सेंटीमीटर्स यस दिस इज इन सेंटीमीटर्स सो टेन सेंटीमीटर्स मैच दिस इसको हम ए नेम दे दे देते हैं एंड ए वाला पर दिस ओके इन सबको हम नेम दे देंगे ए पी सी टी एंड लास्ट इज ई नो मैच लेंथ ऑफ एन अर्थ फॉर्म टू टेन सेंटीमीटर्स नेक्स्ट बी एच ई आई जी एस टी हाइट ऊंचाई ऑफ ऑफ का एक सी एच आई एल डी चाइल्ड बच्चा हाइट ऑफ अ चाइल्ड चाइल्ड की हाइट कितना लंबा है ये चाइल्ड की हाइट कितनी है सर चाइल्ड की हाइट होगी वन मीटर ओके दैट मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर बी नेक्स्ट सी डब्लू आई डी टी एच विफ का एक एफ आई एन जी आर फिंगर एन ए आई एल नेल फिंगर अंगुली ने विंगर ने फिंगर नेल की विथ चौड़ाई कितनी है सी बहुत छोटा होता है आपने अपने नेल्स देखे होंगे सो छोटे हैं डेट मीन वन सेंटीमीटर सी इनको हम जॉइन भी कर देंगे इससे पहले था वन मीटर नेक्स्ट डी एलई एन जी टी एच लेंथ लंबाई की एक एस ए आर आई साड़ी लेंथ ऑफ साड़ी एक साड़ी की लंबाई साड़ी बहुत लॉन्ग होती है जैसे पगड़ी लंबी थी मीटर में वैसे साड़ी भी सो द ऑप्शन फाइव मीटर्स इज करेक्ट राइट हियर डी एंड मैच लास्ट डी आई एस टी एन सी ई डिस्टेंस दूरी एफ आर ओ एम फ्रॉम से एच ओ एम ई होम घर टी ओ टू को एस सी एच ओ एल स्कूल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल घर से स्कूल की डिस्टेंस दूरी वो होती है इन किलोमीटर्स लॉन्गर डिस्टेंस है सो इन किलोमीटर्स डेट मीन्स टू किलोमीटर्स राइट हीयर ई एंड जॉइन मैच नेक्स्ट एलओ एनजी लॉन्ग लंबी एल टेल पूछ ओ एम पी टी आई एन कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन लंबी टेल पूंछ की कॉम्पिटिशन है प्रतियोगिता टीएचई द ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स जानवर आई एन इन मै टी एच आई एस दिस पी आई सी टी यू आर पिक्चर तस्वीर एच ए डी a पास ए एक सी एम सी ओ एम पीई टी आई टी आई ओ एन कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड कॉम्पिटिशन इस पिक्चर में जो एनिमल्स दिखाए हैं ये क्या है ये यही कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे ओके okay? इन्हीं में ही कॉम्पिटिशन हो रहा है इन्हीं एनिमल्स के बीच में टी एच ई द ए एन आई एम ए एल एनिमल जानवर डब्ल्यू एच ओ हु कॉन जो एच ए डी हैड पास टी एच ई द एल ओ एन जी ई एस टी लॉन्ग एस सबसे लंबी टी ए आई एल टेलपूंच डब्ल्यू ओ एन वॉन् जीत जीतना ए एक पी आर आई जर डी प्राइज पुरस्कार द एनिमल द एनिमल हु अ Who the tail prize. वो एट द टेल एसल वनर प्राइज वह एनिमल जिसके पास सबसे लंबी टेल होगी वही प्राइज जीतेगा एन ओ डब्ल्यू नाव अब डब्ल्यू एच ओ हू कौन या जो डी ओ डू वाई ओ यू यू आप टी एच आई एन के थिंक सोचते डब्ल्यू एन वॉन जीतना टी एच ई द एफ आई आर एस टी फर्स्ट पहला पी आर आई जेडी प्राइज पुरस्कार ए एन दी एंड और डब्लू एच ओ हू कॉन डब्ल्यू एन वन T टी एच ई द एस यू एन डी सेकेंड तो आ नाउ अब आप क्या सोचते हैं कि कौन फर्स्ट प्राइज जीतेगा और कौन सेकेंड प्राइज जीतेगा किसने सेकेंड प्राइज जीता होगा जे यू एस टी जस्ट जी यू ई एस एस के अंदाजा टी एच ई द एल ई एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ की टी एच ई द एल ओ एन जी एस टी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी टी आई एल टेल टेल पूछ जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल जस्ट आपको गेस करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेल किसकी होगी सी इन दिस पिक्चर दीज आर एनिमल्स एनि एलिफेंट की पूछ छोटी है माउस देन सी दिस मंकी इस मंकी की पूछ सबसे ज्यादा लंबी है इनके कंपैरिजन में इस मंकी की पूछ लंबी है पिकाऊ सो मंकी की पूछ सबसे ज्यादा लंबी है वी विल राइट हियर मंकी ओ एन के ई वाई मंकी वन द फर्स्ट प्राइस पी आर आई जेडी मंकी फर्स्ट वन द फर्स्ट प्राइज एंड सेकेंड प्राइज सेकेंड प्राइज लॉन्गेस्ट टेल इज मंकी के बाद जो टेल है वो है काव की सो एंड काव वन द सेकेंड प्राइज पी आर आई जेडी मंकी फर्स्ट प्राइज जीतेगा और कहा सेकेंड प्राइज जस्ट गेट्स द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल ओके लॉन्गेस्ट टेल की लेंथ लंबाई कितनी होगी लॉन्गेस्ट टेल इज अबाउट मंकी की लेंथ टेल की लेंथ लंबी होती है सो अबाउट वन मीटर के आसपास होगी और विल राइट हेयर लॉन्गेस्ट टेल इसमें पूछा है मंकी की ही नहीं ऐसे पूछा है कि जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल लॉन्गेस्ट टेल की लेंथ कितनी होगी तो लॉन्गेस्ट टेल इज अबाउट जो सबसे लंबी टेल होती है इज अबाउट वन मीटर लॉन्ग ओके लॉन्गेस्ट टेल वन मीटर लंबी हो सकती है डू आई मै एच वी हैव पास ए एक आई एल टेल पूछ टू आई है टेल दिस ने क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मेरे पास एक टेल है यस सो राइट हियर ये सो योर फोर्थ चैप्टर इज फिनिश नाउ फ्रॉम टूमोरो और नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर फिफ्थ ओके okay. उससे पहले हम नोटबुक में वर्क करेंगे ऑल राइट सो दिस इज इनफ फॉर टुडे